हेलो फ्रेंड्स, रसोई रेसिपी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बताते हैं कि हम लोग कुकर में चावल कैसे बनाते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखने की बात है कि कुकर में हम चावल बनाएंगे तो यह बहुत ही इजी से बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम उस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से हम कितना पानी डालेंगे, कितना चावल देंगे, इसे हम बताएंगे पूरे इस वीडियो में। आप लोग पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कोई कुकर में चावल बहुत कोई बनाता है, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बहुत ईजी तरह से बहुत जल्दी बनता है। और जो लोग लॉज में रहते हैं खासकर, वो लोग तो इसे बनाते ही हैं। और जो जहाँ जिसके यहाँ कम फैमिली है, दो चार लोग हैं, वहाँ पे कुकर में चावल ज़रूर बनाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक गिलास हमें चावल लेना है और उसका डबल हमें पानी लेना है कुकर में बनाने के लिए। तो हम आपको बताते हैं वीडियो में कि कितना हम चावल लेंगे और कितना हम पानी लेंगे। इसके लिए हमने गिलास ले लिया है एक। तो फ्रेंड्स, इसे हमें बनाने का प्रोसेस इस वीडियो में पूरा बता देंगे आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, हम चावल लिए हैं तो इसको हम भरेंगे पूरा, और भरते हुए इसे ऐसे एक गिलास लेंगे चावल, उसके बाद इसका डबल हम पानी लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम गिलास से एक गिलास भर के हम ले रहे हैं। एक गिलास भर के आप लोग लें, ऐसे हाथ से कर दें, उसके बाद ऐसे बर्तन में रखें। एक गिलास हम करीब बना रहे हैं, एक गिलास चावल और थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और चावल रखेंगे आधा। तो इस हिसाब से हम पानी डालेंगे, जितना आप चावल डालिएगा उतना पानी आप डालिएगा, उसका डबल पानी हमें डालना है। जितना चावल डालिएगा उसका डबल हमें पानी डालना। अगर एक गिलास चावल रहा तो दो गिलास पानी देंगे, अगर डेढ़ गिलास चावल रहा तो तीन गिलास हम पानी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम धोते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चावल को अच्छे से धो लेंगे, तीन चार पानी से अच्छे से धोना है और इसे मसल मसल के धोना है ऐसे करके पूरा, ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी रहे सब धुला जाए। तो हमें पूरा मसल मसल के पानी चावल को धोना है ऐसे, पूरा निचोड़ निचोड़ के पानी को ये चावल को धोना है और तीन चार पानी से अच्छे से इसे वॉश करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने चावल धो लिया है और उसके बाद हम इसे कुकर में रखेंगे धोकर, सभी चावल को कुकर में रख देंगे धोकर। तो फ्रेंड्स, हम जिस गिलास से चावल लिए थे उसी गिलास से हम पानी लेंगे। तो करीब चावल एक गिलास था और थोड़ा सा, तो हमें एक गिलास पानी लेंगे, दो गिलास करीब पानी लेंगे, दो गिलास भर के पानी लेंगे जितना हम चावल लिए थे, उसके बाद थोड़ा और चावल लिए थे एक मुट्ठी के बराबर, तो हम आधा गिलास पानी दे और इसमें एक्स्ट्रा रख देंगे, आधा गिलास पानी, ज़्यादा नहीं। अब कुकर को हम बंद कर देंगे और इसे गैस में चढ़ा देंगे सीटी लगाने के लिए। चलिए आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली हम सीटी ये गैस पर कुकर को चढ़ा दिया है। अब इसे हम सीटी लगाने के लिए हमें ध्यान देना है कि कितना हम सीटी लगाएंगे। तो आप फुल में एक सीटी देने दें, पूरा फुल हाई फ्लेम रखें, उसके बाद एक सीटी पूरा फुल देगा, उसके बाद इसे कम कर देना, कम करके हमें एक सीटी और लगाना है, उसके बाद हम इसे ऑफ कर देंगे। तो एक सीटी पूरा हाई फ्लेम में देने दें, उसके बाद हमें कम करना है, कम करके एक सीटी और लगाएंगे, लो फ्लेम करके हम एक सीटी और लगाएंगे, उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे और सीटी खुलने तक हम वेट करेंगे। तो सीटी खुलने तक आप लोग वेट करें, उसके बाद देखिएगा मेरा चावल बहुत खिला खिला बनेगा और खाने में उतना ही स्वाद लगेगा चावल का। आप दाल भात के साथ खाइए मज़े लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे चावल बनाने का कुकर में, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो नया नया लाते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।